नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी ने आज 10वीं सूची जारी की, 7 जगह पे टिकट बदले और 5 सांसदों के पत्ते साफ कर दिए। खास बात ये, बीपी सरोज महज 181 वोट से जीते थे, वो टिकट बचाने में कामयाब हो गए। इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि जहां 10-10, 20-20 हजार वोट से इनके सांसद हारे हैं और या 10-20 हजार से जीते हैं वहां पर तो टिकट कट गया, लेकिन जहां पर 181 वोट से जीत हुई थी वहां पर बच कैसे गया। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जो लिस्ट जारी हुई है उसकी, तो मैनपुरी में जयवीर सिंह जो मंत्री हैं उनको टिकट दिया गया है। वो डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू अखिलेश यादव की पत्नी के सामने चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में रघुराज सिंह साक्य चुनाव लड़े थे, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि चुनाव माना गया था। मैनपुरी से जो है डिंपल यादव जीतने में कामयाब हुई थी। इसके बाद फूलपुर में केसरी देवी पटेल की जगह पे प्रवीण पटेल को टिकट मिला है, यानी कि यहां से बदल दिया गया है, प्रवीण फूलपुर के विधायक हैं। और इलाहाबाद की बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी, जिनका कि पार्टी में पिछले कुछ सालों से जब से बेटे को टिकट नहीं मिला तब से अनबन चल रही थी, वहां पर केसरी नाथ त्रिपाठी जो कि स्पीकर भी रहे यूपी के, पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर रहे, उनके बेटे नीरज त्रिपाठी को दिया गया है रीता बहुगुणा जोशी की जगह पे। सबसे चर्चित सीट इस समय हो रही है बलिया और गाजीपुर। बलिया में बीरेन सिंह मस्त की जगह पे राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। और गाजीपुर में मनोज सिन्हा अफजाल अंसारी से हार गए थे पिछली बार, इस बार पारसनाथ राय को टिकट मिला है। पारसनाथ राय जो है वो मनोज सिन्हा के नजदीक बताए जाते हैं। वहां का समीकरण कुछ ऐसा है, अभी मुख्तार अंसारी की मौत हुई है कि ध्रुवीकरण के चांसेज हैं, तो उस परिस्थिति में इनसे बेहतर बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं था, लिहाजा इनको मैदान में उतार दिया है। चंडीगढ़ से जो टिकट का ऐलान हुआ है वो चौंकाने वाला है। किरण खेर की जगह पे संजय टंडन को टिकट मिला है। संजय चंडीगढ़ में पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं इनका, यानी कि किरण खेर जो कि 2 बार से वहां सांसद थी, उनका टिकट कट गया। आसनसोल से बाबुल सुप्रियो का टिकट पहले कटा था, उसके बाद पवन सिंह को टिकट दिया गया था, पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब उनकी जगह पे एसएस अहलुवालिया को उम्मीदवार बनाया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मछली शहर और कौसामी में उम्मीदवार नहीं बदला गया है। पार्टी ने 2019 का चुनाव महज 181 वोट से के अंतर से जीतने वाले बीपी सरोज का टिकट नहीं काटा है। 2 बार की सांसद किरण खेर का टिकट काट दिया है। इससे पहले पार्टी के कई नेताओं का टिकट कट चुका है, उसमें वरुण गांधी भी शामिल हैं, बलिया के सांसद बीरेन सिंह मस्त भी शामिल हैं, रीता बहुगुणा जोशी शामिल हैं और भी ढेरों नाम हैं, लेकिन ये 181 वोट से जीतने वाले सांसद का टिकट नहीं कटा है। रहिए एक बार, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।